देखो ये पावर टिलर के लिए ब्रेक वाली ट्रॉली है, तीन फीट चौड़ाई है, पांच फीट लंबाई है और एक फीट हाइट है। ट्रॉली की तीन फीट चौड़ाई, पांच फीट लंबाई और एक फीट हाइट है और ये ब्रेक वाली ट्रॉली है। देखो आगे वाला जो उसका अटैचमेंट है वो फोल्डिंग है, आगे पीछे कर सको ऐसा, क्योंकि सब पावर टिलर का अलग अलग जो उसका जो हैंडल आता है उसका साइज होता है। तो वैसे ये जो है नीचे से फोल्डिंग है और ये जो सेटिंग है आदमी के बैठने के हिसाब से उसका हाथ का जो पकड़ने का सेटिंग आता है उसका जो लीवर का वो कर सकते हो। तो ये अटैचमेंट भी फोल्डिंग है और ये ब्रिक वाली ट्रॉली है, 3x5 की एक फिट हाइट वाली। ये ट्रॉली पूरी जीपी शीट से बनी है। ये ट्रॉली में आराम से आप 800 किलो से भी ज़्यादा वेट डाल सकते हो, जैसा आपका जो पावर टिलर होता है वैसे उसकी कैपेसिटी होती है। वैसे तो ये ट्रॉली में 1 टन भी वजन डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पावर टिलर के हिसाब से वेट डालना पड़ता है। देखो ये जो ट्रॉली है जीपी शीट से बनाई है पूरी, तो उसका जंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ऊपर बैठ के ब्रेक दबा, देखो उसका जो ब्रेक सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। देखो ये लीवर है, ऐसे उसका ब्रेक आता है। ओके उतर जाएंगे। तो ये अभी पेन के लिए तैयार हुई है, बाद में उसका फिनिशिंग होगा। फिर से एक बार और देखो पीछे से वो ऐसी दिखती है। ये जो ट्रॉली है ये हमारे गुजरात में जाने वाली है और ये अभी 18 से 22 तारीख तक जो उंझा है हमारे गुजरात में, उंझा करके शहर है, वह उमिया माता जी का उसका फंक्शन होने वाला है। तो ये जो उमिया माता जी का 18 से 22 तारीख तक जो फंक्शन होने वाला है इसमें ये ट्रॉली को एग्जीबिशन स्टॉल में रखने का है, तो उसके लिए तैयार की है। वैसे तो हमारे को पार्टी को देनी है, जो हमारी पार्टी है वो हमारी पावर टिलर की ट्रॉली बेचती है और ये पार्टी भी खुद पावर टिलर बनाती है और ट्रेडिंग भी करती है। तो वो जो हमारी पार्टी है उसको ये ट्रॉली देने की है और वो पार्टी को ये ट्रॉली जो उंझा माता का जो फंक्शन है वो एग्जीबिशन स्टॉल में रखने की है, तो उसके लिए तैयार की है हमने स्पेशली। तो ये अभी पेन के लिए रेडी हो गई है, 3 फीट चौड़ाई, 5 फीट लंबाई, 1 फीट हाइट, ब्रेक वाली ट्रॉली। देखो ऐसे हमारे यहाँ ऐसे अलग अलग टाइप की सभी तरह की ट्रॉली का काम होता है। देखो ये बड़ी वाली फुटकार का पेन का काम चालू है, ये राजस्थान बेचने का है सागवाड़ा में। ये देखो उसका पेंट का काम चालू है, वैसे 4 पहिया वाली, 2 पहिया वाली अलग अलग टाइप की ट्रॉली भी बनती है हमारे यहाँ। तो ये फूड कार्ट को पेंट का काम चालू है अभी, ये सब अलग अलग टाइप की ट्रॉली है। देखो ये भी पार्टी की रिक्वायरमेंट से ट्रॉली बन रही है, कॉस्मेटिक चीज बेचने के लिए। देखो ये दूसरी फूड कार्ट बन रही है, अभी काम चालू है उसका।
वैसे हमारे यहाँ अलग अलग टाइप की सभी तरह की फुटकर बनती है। ये सब अलग अलग टाइप की ट्रॉली है। देखो ये फूड कार्ट है, वड़ा पाव, समोसा, पानी पूरी, लाबली के लिए सब बनाते हैं हम। ऐसे अलग अलग टाइप की सब फूड कार्ट हमारे यहाँ बनती है। देखो ये अलग अलग टाइप के ट्रॉली के स्ट्रक्चर है। गोर गोर घुमा ले एक बार पकड़ के, थोड़ा नीचा रख के पकड़ के गोर गोर घुमा ले। देखो ये पावर टिलर की ट्रॉली, नीचा रख के घुमा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ घुमा ले एक बार, बस रख दे वहाँ। ओके ये अब टेंट के लिए रेडी हो गई है ट्रॉली। बाद में ये कंप्लीट होके पार्टी को भेज दी जाएगी और जो गुजरात में ऊंझा शहर है वह उमिया माता का जो फंक्शन है उसमें एग्जीबिशन स्टॉल के लिए ये ट्रॉली रखी जाएगी। जो हमारी पार्टी है उसको अंदर रखने की है स्टॉल में, तो ये स्पेशली हमने बनाई है बेक वाली ट्रॉली। देखो ये सब अलग अलग टाइप की ट्रॉली है, दो पहिया वाली, चार पहिया वाली। देखो जो पेंट का काम होता है, वैसे सभी तरह की ट्रॉली में ऐसे पलटा के सभी जगह पेंट होता है ताकि कोई भी कोने में बाकी ना रहे, वैसे सब पेंट का काम होता है। पावर टिलर के लिए ट्रॉली का काम चालू हो रहा है अभी, तो ये इसकी जो पैकेज बनानी है बॉडी की उसका कटिंग है। तो अभी काम चालू करने से पहले उसका कटिंग जो हुआ है स्क्वायर पाइप का, उसका पूरी तरह से फिनिशिंग किया जाता है, क्योंकि ये जो पाइप होती है इसके ऊपर ऐसे मिट्टी और गंद का ऊपर लगा हुआ रहता है, तो उसको फिनिश करके आगे काम चालू होगा। ये पावर टिलर की 33 की सब पाइप है, अभी उसकी काम बनेगी, तो उसका काम चालू होने से पहले ऐसे सब फिनिशिंग करके ही आगे काम होता है। वैसे सभी तरह की जो ट्रॉली का काम होता है वो फुल फिनिशिंग के साथ होता है। ये पावर टिलर की ब्रिक वाली ट्रॉली बन गई है, अभी इसका काम स्टार्ट हुआ है कटिंग होके। ये भी बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ड बन रहा है।
इसका काम चालू है। अभी ये स्पेशल 3x4 की एक फूड कार्ट बन रही है, इसका कटिंग हो चालू हो रहा है। ये जीपी शीट से, गैलेनाइज शीट से उसका कटिंग का काम अभी चालू हो रहा है। देखो ये पावर ट्रिलर की ब्रेक वाली ट्रॉली है, अभी काम चालू है उसका। देखो ये बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट है बड़ा वाला। ये फूड कार्ट का भी पेंट का काम चालू है, अभी कोटिंग करके रखा है, वो राजस्थान जाएगा। तो वैसे सभी तरह की ट्रॉली का काम होता है हमारे यहाँ। देखो ये फूड कार्ट बन रही है, ये जो बीच में ट्रॉली पड़ी है वो कॉस्मेटिक आइटम बेचने के लिए बन रही है, चलती फिरती दुकान। ये पावर टिलर की ट्रॉली बन रही है। देखो ये पावर टिलर की 3x5 की 1 फीट हाइट वाली ट्रॉली अभी रेडी हो गई है, ब्रेक वाली ट्रॉली। देखो ये ब्रेक का लीवर है, एक मिनट, ये उसकी बैठक है, और ये पावर टिलर ज्वाइन करने का अटैचमेंट, वो भी फोल्डिंग वाला। ये अटैचमेंट आगे पीछे हो सकता है, ऐसा है। 3x5 की 1 फीट हाइट वाली पावर टिलर के लिए ट्रॉली है, तो अभी रेडी हो गई है, अभी उसका फिनिशिंग होने जा रहा है। ये पीछे वाला डाला भी उसका खुलता है, नीचे की साइड वैसा है। करो चालू। देखो ये ट्रॉली अभी कंप्लीटली हो गई है, तो उसका फिनिशिंग का काम चालू है। तीन बाय पाँच की 1 फीट हाइट वाली ब्रेक वाली पावर टिलर की ट्रॉली
देखो ये जो ब्रेक है, चालू बंद करो, बंद करो, उतर जाओ। देखो अभी ये ट्रॉली को फिनिशिंग होने जा रहा है, अब उसका पेंट होगा। ये ट्रॉली का अभी फिनिशिंग हो रहा है, पहले उसका ग्राइंडिंग होता है, बाद में उसका पेपर डिश पे फिनिशिंग होता है और लास्ट में उसका पेंट का काम होता है। देखो ये पूरी बॉडी को ऐसे फुल फिनिशिंग किया जाता है। देखो अभी ये फूड कार्ट को फाइनल पेंट करने का चालू होता है थोड़ी देर में। ये पेंटर आ गए तभी उसका फाइनल पेंट का काम चालू है। तो ये पावर टिलर का जो फिनिशिंग चालू है,